नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया दायमा और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने दांव चलना शुरू कर दिया है। दिल्ली की लड़ाई बड़ी है और कड़ी है, क्योंकि जंग तीतरफा है और कांटे का है। CAA के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करके कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी पैठ बनाई है। अरविंद केजरीवाल इस वजह से परेशान है कि कांग्रेस उसके कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और केजरीवाल की लड़ाई बीजेपी का फायदा का सौदा दिख रहा है। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन दोनों दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में आग आप और कांग्रेस की लगाई हुई है। नागरिकता संशोधन कानून यानी के CAA का देश भर में विरोध हो रहा है, वहीं दिल्ली में भी इस आग की चिंगारी देखने को मिली। दिल्ली में लोगों ने CAA का काफी विरोध किया, जिसे लेकर केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। जावड़ेकर ने कहा, दिल्ली में CAA के मुद्दे पर हिंसा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा फैलाई गई है। आपके विधायक अमनतुल्ला खान ने दंगे भड़काने के लिए बयान दिया, जिससे दिल्ली का माहौल खराब हुआ। लेकिन अब दिल्ली और देश की जनता इनकी राजनीति को समझ गई है, इसलिए अब दिल्ली में शांति है। CAA किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये बात सबको समझ आ गई है। आप और कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, दिल्ली का माहौल हम इनको खराब नहीं करने देंगे। इतना ही नहीं, जावड़ेकर ने यह भी कहा कि दिल्ली में फॉगिंग और परिशिक्षण MCD ने किया, जिसका परिणाम हुआ कि डेंगू कम हुआ। MCD चुनाव से पहले आप कहती थी कि भाजपा को वोट दिया तो डेंगू फैलेगा, अब कम हुआ तो झूठ क्रेडिट लेने आ गई दिल्ली सरकार। अनाधिकृत कॉलोनियों पर भी झूठा प्रचार कर रही आप सरकार, जबकि ये कानून दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद कानून बन गया। लेकिन आप इस मुद्दे पर भी लोगों को भ्रमित करने से बाज नहीं आ रही। साथ ही जावड़ेकर ने बताया कि दिल्ली की लड़ाई सच और झूठ की है, ये लड़ाई अराजकता और विकास की है। हम सच और विकास की लड़ाई दिल्ली के लिए लड़ते रहेंगे। जहां झुग्गी वहां मकान का फॉर्म भी अब मिलना शुरू हो गया है। DDA कैंप लगाकर इसको भरवाना शुरू करेगी। हमारे कार्यकर्ता भी इसमें लोगों की मदद करेंगे। वहीं जावड़ेकर ने यह भी कहा कि हम ये सब काम दिल्ली की जनता तक लेकर जाएंगे और अगले 5 साल में क्या काम करे हैं वो भी जनता तक बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज ऑफ इंडिया।